अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक स्कैब फ्री लोशन के ऊपर है, जो कि स्कैबीज के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। 5% इसकी कंसंट्रेशन होती है, स्कैबीज के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आज की वीडियो में हम सिर्फ दो पॉइंट्स के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, एक तो स्कैबीज है क्या और दूसरा स्कैबीज के ट्रीटमेंट में परमेथ्रिन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बात देखने को मिलती है कि वक्ती तौर पर जो भी ट्रीटमेंट स्कैबीज के ट्रीटमेंट में किया जा रहा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन जब वो मेडिसिन को छोड़ देता है पेशेंट तो उसके बाद फिर वही खारिश वगैरह का मसला देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में तमाम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी कि किस वजह से इसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो सबसे पहले स्कैबीज की अगर बात करें तो ये एक जिल्द की बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा जिस्म पर खारिश होना शुरू हो जाती है। बाद अवत खारिश इतनी शिद्दत के साथ होती है कि जिस्म को छीलना पड़ता है, साथ में दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है ऐसा होने का, हमारे स्किन की ऊपर वाली लेयर पर माइट्स वगैरह होते हैं जो कि ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, आंडे देना शुरू हो जाते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से बहुत ज़्यादा खारिश होती है। और कहने के खारिश होने के साथ साथ हीट निकलना शुरू हो जाती है, रात के वक्त खारिश बहुत ज़्यादा होती है, हाथ की उंगलियों के दरमियान वाले हिस्से में खारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसी तरह टांगों के दरमियान वाले हिस्से में, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये तमाम कहने के स्कैबीज की अलामत है। तो ये किस तरह से मुंतकल होती है, स्कैबीज ज़्यादातर अगर एक आदमी को है तो उससे दूसरे को बहुत तेज़ी के साथ मुंतकल होने के चांसेस होते हैं, यानी कि उसके साथ छूने की वजह से भी हो सकती है, कुछ खेरिंग जैसे कि क्लॉथ वगैरह, टॉवल वगैरह उनके करने से भी हो सकती है। तो इससे ये बात भी समझने को मिलती है कि अगर किसी भी फैमिली के एक मेंबर को है तो उस पूरी फैमिली में ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं। और ये नॉर्मली देखा भी गया है कि घर के एक फर्द को अगर खारिश वगैरह का मसला है तो उससे दूसरे लोगों को भी बहुत तेज़ी के साथ ये मसला देखने को मिलता है। तो जब हम इसका इलाज करते हैं तो फिर जो बंदे सही भी हैं उनको भी ये ट्रीटमेंट फॉलो करवाया जाता है ताकि पूरी तरह इस बीमारी से निजात मिले और ये जो माइट्स वगैरह इनसे छुटकारा मिल सके, तो तब जाकर आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। स्कैबीज में एक ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट देखने को मिलता है कि इसके ट्रीटमेंट में एंटी एलर्जिक मेडिसिन को ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटी एलर्जिक सिर्फ आपकी अलामत को कम कर सकती है, फौरी तौर पर या मुकम्मल तौर पर स्कैबीज से छुटकारा नहीं दिला सकती। तो यही वजह है एलर्जी की, जो हम गोली वगैरह को इस्तेमाल करते हैं वो वक्ती तौर पर सिर्फ हमें सुकून देती है, लेकिन जो हमारा असल मेन कहने के डिजीज़ वगैरह का मसला होता है वो वहीं का वहीं रहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें स्कैबीज के ट्रीटमेंट में जो साल्ट वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि एवरमेक्टिन वगैरह टैबलेट फॉर्म में, इस तरह परमेथ्रिन, सल्फर वगैरह इनको इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर इससे निजात मिलती है। अब बात करते हैं परमेथ्रिन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। परमेथ्रिन को इस्तेमाल करने से पहले गर्म पानी के साथ नहा लेना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, अगर आप नहीं भी नहा सकते फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी से नहाने का मकसद ये होता है कि इससे आपकी जिल्द के जो मसाम होते हैं वो खुल जाते हैं और दवाई उनके अंदर आसानी के साथ दाखिल हो जाती है और अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो परमेथ्रिन लोशन की एक बारीक सी लेयर अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई करें, जिस जगह पर खारिश है वहाँ पर भी लगाएं, जिस जगह पर खारिश नहीं वहाँ पर भी लगाएं, आँखों के अलावा, सेंसिटिव एरिया के अलावा पूरे जिस्म पर इसकी अच्छी तरह से मसाज करें और इसको 8 से 14 घंटों तक लगा रहने दें। उसके बाद दोबारा नहा लें, नहाने के बाद अपने टॉवल को और कपड़ों को अलहदा रखें और कोशिश करें जो कपड़े आप पहनने हैं उनको दोनों साइडों से इस्त्री वगैरह करें और अपनी बेडशीट और जो कह लें कि पर्सनल स्पेस वगैरह है जिस जगह पर आप आराम कर रहे हैं उन तमाम को हाइजीनिक रखें, यानी कि जो चादर है उसको भी धो लें और साथ में कह लें कि बिस्तर वगैरह उसकी भी सफाई का ख्याल रखें, उसको धो लें या कम से कम उसको धूप में ज़रूर रखें, क्योंकि धूप में रखने से भी इसकी जो अफजाइश है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। परमेथ्रिन ज़्यादा बेहतर है कि रात के वक्त इसको इस्तेमाल करें, पूरी रात लगा रहने दें और सुबह के वक्त गुस्ल करके कपड़े भी चेंज कर लें और दोबारा शाम के वक्त फिर इसको इस्तेमाल करें। इसकी एक बोतल को 2 से 3 दिन में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्लिमी स्मार्ट होते हैं उनमें इसकी मकदार कम इस्तेमाल की जा सकती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं उनमें ज़्यादा भी की जा सकती है। तो जितनी यानी कि आसानी के साथ पूरे जिस्म में अब्जॉर्ब हो उतनी मकदार को इस्तेमाल करें।
तो इसी तरह इसको 3 से 5 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमेथ्रीन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से स्किन में इरिटेशन वगैरह का मसला हो सकता है, रेडनेस हो सकती है और स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, और ये बहुत ही माइनर किस्म के इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसी तरह अगर इसकी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की बात करें तो प्रीमेथ्रीन जो कि टॉपिकली हम इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेगनेंसी की कैटेगरी बी में आता है, यानी कि अगर ज़्यादा फायदे हों तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।